हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, की वीडियो में हम बात करने वाले पांच ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में जिनको सुनकर आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आते हैं हमारे फैक्ट नंबर 5 पे। तो गाइस, कि आपको पता है कि जो हमारे गेम के अंदर क्रिमिनल बंडल है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा रेयर कौन है? जी भाई, इनके अंदर सबसे ज़्यादा रेयर है ब्लू और पर्पल क्रिमिनल। क्योंकि गाइस, कुछ कह रहे होंगे रेड है, बट भाई यहाँ पर रेड क्रिमिनल ज़्यादा रेयर नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने निकालना था, जैसे बैज 99 ने निकाला रेड निकाला, गाइस कुछ लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रेड निकाला और येलो निकाला। गाइस, ये दोनों बीच में रह गए थे, इसलिए कुछ रेयर हो गई। आज के टाइम पे बहुत कम लोगों के पास है, जो आप देख रहे हैं स्टार के पास थे, और बहुत कम लोगों के पास है ब्लू और पर्पल के अंदर। गाइस, इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही रेयर है इस टाइम पे। तो गाइस, ग्रीन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा रिटर्न से आ चुके हैं तो वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो गाइस, आते हैं हमारे फैक्ट नंबर 4 पे। तो गाइस, क्या आपको पता है जो हमारे गेम के अंदर ब्लू वॉल है, ये कितनी देर तक लगी रहती है? गाइस, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक लगी रहती है, उसके बाद हट जाती है। गाइस, जब भी आप गेम खेलें, ज़्यादातर ब्लू वॉल का कमाल तो क्लच स्क्वाड में होता है। तो गाइस, जब भी आप खेलें, आप ध्यान रखें, 1 मिनट तक पूरी है, 1 मिनट में फूट जाएगी। गाइस, अगर इस पर कोई एक गोली भी नहीं मारता या इसको कोई डैमेज नहीं देता तो 1 मिनट में फूटेगी, वरना ये जल्दी हट सकती है। तो गाइस, आते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 पे। गाइस, कि आपको पता है जो हमारे गेम के अंदर इवो गन है, ये ड्रैगो एक है, सबसे पहली इवो गन है। गाइस, जब ये आई थी तो खरीदने वालों को बिल्कुल नहीं पता था कि इतनी चलेगी, इतनी फेमस हो जाएगी, क्योंकि आम गन से ज़्यादा महंगी थी, उसका लेवल में करने में भी बहुत ज़्यादा डायमंड लग रहे थे। तो खरीदने वालों को इस बात का डर था कि इतनी नहीं बिकेगी, लेकिन लोगों ने उसको इमोट की वजह से और इसके एट्रीब्यूट की वजह से इतना निकाला कि ये इतनी फेमस हो गई। और गाइस, आज के टाइम तो बहुत फेमस गन है, और इस वजह से गरीना ने हमारे लिए कोबरा एंटीबॉडी और ग्रीन फ्लेम को लॉन्च करी। गाइस, आते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2 पे। तो गाइस, आपको पता है जो सीजन 2 हिप हॉप बंडल एंड सीजन 1 सभी रेलवा एक दफ़ा रिटर्न से आ चुके हैं। गाइस, जब रिटर्न में आए तो गाइस ये आए थे लक रॉयल के अंदर। गाइस, और जिनको निकालने में 2500 डायमंड लग रहे थे। गाइस, 2500 डायमंड मतलब लोगों ने इतना निकाला नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये इतने फेमस हो जाएंगे आगे जाके। और आज के टाइम पर जो इनकी कीमत है, जिनके पास ये है, वो खुश नसीब है, वो खुश किस्मत है जिनके पास ये बंडल है। तो गाइस, आते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 पे। तो गाइस, आपको पता है जो हर बंदा कहता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, इसको क्यों कहता है? गाइस, को इसलिए कहता है कि आपका एक कमेंट शेयर हमारे को बहुत सपोर्ट देता है और ऐसी वीडियो बनाने के। तो गाइस, आप भी मेरे को इसी तरह सपोर्ट कर देना, अभी आपको पता चल जाएगा सब्सक्राइब कैसे करना है, बस आप इसी तरह सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिनिश, थैंक यू गाइस इतना देखने के लिए।